चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए काफी सफल मिशन रहा है। इसके बाद भारत चर्चाओं का एक विषय बन गया है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। आइए इस वीडियो में उनके बारे में जानेंगे। साल 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने उस वक्त इसरो का दौरा किया। इसरो की पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर के एक लेख के मुताबिक APJ अब्दुल कलाम ने वैज्ञानिकों से पूछा कि चंद्रयान 1 के पास ये दिखाने के लिए क्या सबूत है कि वह चंद्रमा पर गया था। वैज्ञानिकों ने जवाब में कहा, इसके पास चंद्रमा की सतह की तस्वीरें होंगी। जवाब सुनने के बाद कलाम ने अपना सर हिलाया और कहा कि ये काफी नहीं है। वे सुझाव देते हैं कि अंतरिक्ष यान अपने साथ कुछ ऐसा लेकर जाए जिसे चंद्रमा की सतह पर गिराया जा सके। इसरो ने कलाम की सलाह पर ध्यान दिया और एक नए उपकरण बनाने के लिए डिजाइन में बदलाव किए। ये मून इंपैक्ट प्रोब चंद्रमा की सतह से टकराया और चंद्रमा पर पहला भारतीय ऑब्जेक्ट बन गया। चंद्रयान 2 का लैंडर रूस से आना था। रूस का लूना 25 शनिवार को चंद्रमा की सतह से टकराया और मिशन फेल हो गया। उसी लैंडर का एक पुराना संस्करण भारत के चंद्रयान 2 के साथ अंतरिक्ष में जाना था। उस टाइम पर भारत ने अपना लैंडर और रोवर नहीं बनाए थे। चंद्रयान 2 को रूस के साथ एक संयुक्त मिशन माना जाता है। भारत को रॉकेट और ऑर्बिटर उपलब्ध कराने थे, जबकि लैंडर और रोवर रूस से आने थे। हालांकि चंद्रयान 2 के लिए रूस जिस तरह के लैंडर और रोवर बना रहा था, उसमें अलग तरह की समस्याएं दिखाई दी, जिसके बाद रूस की अंतरिक्ष एजेंसी को डिजाइन में बदलाव करना पड़ा। हालांकि नया डिजाइन बड़ा था और ये भारतीय रॉकेट के साथ फिट नहीं बैठ सका। इसके बाद रूस ने खुद को इस मिशन से अलग कर लिया। फिर इसरो ने लैंडर और रोवर को अपने ही देश में बनाया, जिसके बाद चंद्रयान 2 2019 में ही उड़ान भर सका, जिसे 2011 या 2012 में उड़ान भरनी थी। आपको बता दें कि भारत ने चंद्रयान 3 के बाद किसी मिशन की घोषणा नहीं की है। हालांकि बिना शक चंद्रयान 4, 5, 6 या उससे अधिक मिशन होने वाले होंगे, लेकिन इससे अलग भारत उन सभी मिशनों से पहले जापान के साथ एक चांद मिशन भेजेगा। इसका नाम ल्यूपेक्स है। ये मिशन 2024-25 के बीच में भेजा जाएगा। फिलहाल भारत चंद्रयान 3 की सफलता की खुशी में डूबा हुआ है। भारत ने वो कर दिखाया है जो अभी तक किसी भी देश ने नहीं किया है। भारत अपना लोहा मनवा चुका है। भारत चांद पर पहुंच चुका है। अब ये देखना होगा कि इसरो अपने कौन कौन से मिशन को अंजाम देता है, जिसके बाद भारत का सीना और फख्र से ऊंचा हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।